मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने प्रताप को काफी प्रताड़ित किया है, जिस कारण उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस के अनुसार कोर्ट के आदेश प्रताप को न्यायालय में पेश किया गया था, जो पेशी के दौरान अचानक से तबियत बिगड़ने के बाद प्रताप की मौत हो गई। थाना प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि पुलिस द्वारा प्रताप को प्रताड़ित करने के आरोप निराधार हैं। फिलहाल प्रताप की मौत हार्ट अटैक से होने का अंदेशा बताया गया है। असल कारण पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह अनिल बेलिफ है, मैं बाद अदालत श्रीमती हर्षा शर्मा GMIC इंद्री की कोर्ट से बेलिफ अनिल कुमार आए थे और उन्होंने ये रोजनामचे में यहाँ थाने में आमद डलवाई और कहा कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, एक आदमी चंद्राव से है, कंडीशन वारंट है, उसको लेकर आना है। और हमने दो यहाँ से होमगार्ड के जवान उनके साथ भेज दिए प्रोटेक्शन के लिए। और वो वैली पे ये प्रताप हैं गांव चंद्राव का, इसको लेकर कोर्ट में पेश कर दिया और कोर्ट में पेश करने के बाद में उसकी कोर्ट के अंदर ही वो की स्थिति खराब होगी और फिर उसके बाद में अदालत ने आदेश दिया भी इसको जल्दी फटाफट हॉस्पिटल में ले जाओ। और हॉस्पिटल में अनिल बेलिफ है वो लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आए थे और डॉक्टर साहब ने उसको चेक करने पर और वो उसकी डेथ हो गई। जो है बाकी तक ये जो पोस्टमार्टम होगा उससे क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके हार्ट अटैक से डॉक्टर साहब से पूछा था तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं भी हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई है। कुछ नहीं है, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करी और ये कोर्ट के आदेश से ही बेलिफ आया था और बेलिफ की प्रोटेक्शन के लिए भी जरूर भेजा था और बेलिफ ही लेकर आया, बेलिफ ने ही पेश किया, ये थाने में नहीं लेकर आया, सीधे कोर्ट में पेश किया। पहले कौन सा मुकदमा दर्ज था? कोई मुकदमा नहीं, सिविल सूट का केस चल जाएगा, सिविल कोर्ट। ये कोई राजकुमार है कमिश्नर एजेंट है, उसने सिविल केस डाल रखा है 4,38,000 का, इसका कंडीशन वारंट था। आगे कार्रवाई जो इनके वारिसान जो स्टेटमेंट देंगे उसके आधार पर एक बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाऊंगे और बयान लेकर इसकी कार्रवाई करती हूँ। मेरा नाम नवीन है जी, मैं गांव सरपंच गांव चंद्राव से। क्या मामला था भाई? मामला सर इसका कोई केस पेंडिंग था और उसके दौरान एक कोर्ट से ऑर्डर पुलिस लेकर के आई इसके घर पे और घर से ही उसको उठाकर गाड़ी में डाल करके ये इसको इधर ले आए। बताया नहीं तो ना किसी को इस तरह की कोई इतला दी इन्होंने, ना इनके परिवार वालों को बताया गया अभी हम इसको कहाँ पर लेके जा रहे हैं। पुलिस ने इसके साथ क्या किया हमारे को तो थोड़ी देर पहले पता चला कि इसको अटैक का इन्होंने बताया, लेकिन इस बात की हम आपके माध्यम से सरकार को विनती करते हैं कि जो ये केस हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। ऐसा ना हो किसी गरीब आदमी के साथ या किसी मजबूर आदमी के साथ अगर पुलिस ने कोई जाति की हो तो हम उसके हाथ जोड़कर आपसे आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसके साथ इंसाफ किया जाए। अभी क्या नाम था इसका? नाम इसका प्रताप था सर। उम्र 50 के लगभग सर। इसको अटैक वहीं मौके पे डेथ हो गई है? नहीं सर, ये तो किस अटैक का तो इन्होंने बोला अटैक नहीं हुआ जी, इधर इनके पास ही था अटैक, तो इसको कभी नहीं आया, पहले से कभी बीमार नहीं था ना, बिल्कुल संतुष्ट बिल्कुल स्वस्थ था, इसको स्वस्थ हालत में ये लेकर के आया। पड़ोसियों ने उनको देखा, घर वालों ने भी इनको देखा जब ये लेकर के आया। कितने बजे लेने गए थे? कोई 10 बजे के आसपास इसको लेकर के आया। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके कितने घंटे बाद तो इसके? अभी बस पहुंचे थे यहाँ, 1.5 घंटे के दौरान इन्होंने फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे करके इसकी डेथ हो गई है, तो हम अभी तुरंत गांव से इधर हॉस्पिटल में आए हैं। मांग यही है सर इसके मुकदमे की, जो ये डेथ हुए है इसकी कानूनी तौर से और प्रशासन के माध्यम से इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए ताकि परिवार वालों को पता चले और अगर कोई पुलिस की ऐसी भूमिका है कोई गलत वो भी हमारे सामने और समाज के सामने आनी चाहिए। जिले सिंह चंद्रा जी, बताओ इसका जी, जिस टाइम ये कोर्ट में लेकर गया ना इसका हाल खराब था, इसके डिग गया था ये, इसके दिमाग बहुत टेंशन थी, रास्ते में इन्होंने जो किया इसके साथ गलत सलूक बर्ताव करे, इन्होंने मार पिटाई भी करी इसकी और इस पर कोर्ट के अंदर जाने का सहारा नहीं था। पुलिस इंद्री की थी? इंद्री की जी। अभी हॉस्पिटल में लेकर आए तो और पता नहीं किस माह ने मारा, पेटा आंखों में खून था इसकी, आँख से खून चाहता, बेसिए पागल हो रहा था, चल नहीं सका था, डॉक्टर से तो मिले नहीं, हमें डॉक्टर क्या कहेंगे।